बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुकेश सहनी को सरकार से अलग करने की है तैयारी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुकेश सहनी का तेवर देख एनडीए देगा बड़ा झटका। क्या है मुकेश सहनी का तेवर? एनडीए से सहनी होंगे अलग, लेकिन नहीं गिरेगी सरकार। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वीआईपी के तीन विधायकों की होगी घर वापसी, मंत्री पद तय, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यूपी चुनाव के बाद क्या बिहार में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या बिहार में सच में खेला होने वाला है? उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बिहार से इसका क्या मतलब, क्या रुख? मुकेश सहनी के तेवर क्या है जिससे वो एनडीए से अलग हो जाएंगे? क्या मुकेश सहनी का तेवर एनडीए उन्हें बड़ा झटका देगा? और अब इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। निषेध, मुकेश सहनी के बयान एमएलसी चुनाव में भी अलग दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में भी यूपी बीजेपी के विरोध में है, क्या मुकेश सहनी का ये तेवर एनडीए से उन्हें अलग कर देगा? आप बिल्कुल देखिए ऋतिक, मुकेश सहनी जो तेवर अपने अपनाए हुए हैं उस पे खास तौर पे भी भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और लगातार मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बयानबाजी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी इसको देखते हुए एक रणनीति बना रही है और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी को अब कहीं ना कहीं एनडीए से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाखुश है मुकेश सहनी से, और जो उनके तीन विधायक और हैं वीआईपी पार्टी के, स्वर्णा सिंह की बात हो या फिर मिश्री लाल यादव या फिर राजू सिंह, ये तीन विधायक हैं जो कि बहुत ही जल्द वीआईपी पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव का बस नतीजा आ जाए उसके बाद पूरा खेल बिहार में एक बार शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जुलाई में मुकेश सहनी का एमएलसी के पद पर 18 महीने का जो टर्म है वो पूरा हो रहा है, और उसी समय जो जानकारी हमें मिली है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसी वक्त जुलाई के महीने में ही मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं एनडीए से अलग करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, और ऐसे में एक बयान उनका बीते दिन भी सामने आया था, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, उन्होंने कहा था यूपी चुनाव में भी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुकेश सहनी, उन्होंने कहा है कि 10 मार्च को देखिए क्या होने वाला है, क्या तस्वीर होगी। अब बिल्कुल देखिए, मुकेश सहनी भी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और लगातार वहां पे उनका एक ही टारगेट है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जेडीयू के भी एक नेता है, उनको उन्होंने अपना समर्थन दिया है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ में लगातार बयानबाजी दे रहे हैं या फिर जिस तरीके से बिहार में एमएलसी चुनाव में सीटें नहीं मिली उनको, उसके बाद भी खासा नाराजगी है मुकेश सहनी के अंदर और उसको लेकर के वो लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन एनडीए ने कहीं ना कहीं अब कमर कस ली है और पूरी तैयारी वो कर रही है, क्योंकि जो और तीन विधायक है वीआईपी के वो भी पूर्व में बीजेपी के ही नेता रहे हैं और जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन तीनों विधायकों को अब गोलबंदी करने की भी कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उनको कहीं ना कहीं अब अपने पाले में खींचने की कोशिश की जा रही है। और जो दो नाम सामने आ रहे हैं मिश्री लाल यादव का, स्वर्णा सिंह का, इन दोनों में से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है अगर मुकेश सहनी को एनडीए से अलग किया जाता है, तो इन दोनों विधायकों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। ऋतिक, बिल्कुल, और जो तेवर उनके हैं अभी इस वक्त मुकेश सहनी के कहीं ना कहीं एक बगावती तेवर दिख रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक में भी, याद होगा आपको निषेध, उन्होंने कहा था कि आरक्षण की मांग को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर आरक्षण नहीं मिलता, अगर दलितों को, पिछड़ों को अगर इस तरीके से देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, एनडीए की विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें इस बात को उन्होंने कहा था, मुकेश सहनी ने कहा था कि अगर आपको मेरी बातें नहीं सुननी है, मेरे बातों पर विचार नहीं करना है, तो हम अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस बात को उन्होंने कहा था और बाहर आके स्पष्ट भी किया था। मुकेश सहनी शुरू से ही बिहार की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और जब तक आरक्षण को नहीं बढ़ाया जाएगा, बिहार में भी जो अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उनका मुद्दा यही है, इसी मुद्दे को लेकर के लगातार वो बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा ऋतिक कि भारतीय जनता पार्टी उनके इस रवैये से कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज है, काफ़ी हताश है और लगातार वो इस बात को कह रही है कि आपकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हमले मुकेश सहनी कह रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं
एनडीए में जो दो सहयोगी पार्टी है वीआईपी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों में खटपट हो रही है और कहीं ना कहीं उसको संभालने की भी जरूरत है।